ब्रेकिंग, आरे वृक्षतोड प्रकरणात शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात जाणार. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मांडली भूमिका. वृक्ष तोडण्यास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीनंतर आरे कार्यवाहीला सुरुवात. काल रात्री झाडे कापण्यास सुरुवात झाल्याने त्याचे पडसाद सर्वत्र उमटले. वृक्ष प्राधिकरण बैठकीत शिवसेनेने केला होता प्रस्तावाला विरोध. सामाजिक संस्थांनी घेतली प्रस्तावाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव. मुंबई मेट्रो 3 साठीच्या कारशेडला आरे कॉलनीमध्ये वृक्षतोड करण्यात आली. काल रात्री झालेल्या या घटनेनंतर आज सकाळी पर्यावरणप्रेमी आक्रमक झाले. या पर्यावरणप्रेमींचे आक्रमक आंदोलन पाहता मुंबई पोलिसांनी या परिसरात कलम 344 लागू केली. या संदर्भातील माहिती मुंबई पोलिसांनी दिली. मेट्रो 3 प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील वृक्षतोड करण्याच्या विरोधातील याचिका फेटाळल्यानंतर महापालिकेने पोलिसांच्या मदतीने रातोरात जवळपास 700 झाडांवर कुऱ्हाड चालवली. महापालिकेने पोलिसांच्या मदतीने रातोरात जवळपास 700 झाडांवर कुऱ्हाड चालवली. ही माहिती मिळताच पर्यावरण प्रेमींनी आरेत धाव घेतली आणि ठिय्या आंदोलन केले. आंदोलन आणि आक्रमक पवित्र्यानंतर ही झाडांची कत्तल थांबली नाही. पर्यावरण प्रेमींना न जुमानता पोलीस आणि प्रशासनाने कारवाई केली. आंदोलन करणाऱ्या जवळपास 100 जणांना पहाटेच्या सुमारास पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पोलिसांनी आरेच्या रस्ताही वाहतुकीसाठी बंद केला. सध्या या परिसरात जाण्यासही पोलिसांनी बंदी घातली असून कडेकोट बंदोबस्त करण्यात आला आहे.
सरकार को वही डर था कि कहीं एक्चुअली ये जो मौका मिला हाईकोर्ट का, ये मौका हाथ से न छूटे, इसलिए जनता के साथ या समझो ना जनता के अगेंस्ट में ये काम किया गया है। एक्चुअली सबसे पहला तो एक्चुअली मैं ये बोलूँगा कि सरकार ने इसको ग्रीन बोल के कि हर ग्रीन एरिया ये फॉरेस्ट नहीं होता है, तो मेरे पीछे भी आपको जो ग्रीन दिख रहा है, क्या सरकार इसको भी कब्जा कर लेगी? क्या सरकार यहाँ भी पेड़ काट लेगी? एक्चुअली सबसे पहले एथिक्स ऐसा है कि जो हिस्ट्री जो बोलता है, मार्च 1878, ये अगर आपने इतिहास अगर देखा होता कि जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर, ये मूल ढांचा जो है इसका मूल ढांचा फॉरेस्ट है, ये जो आरए है ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है जिसको सरकार डिनाई कर रही है, क्योंकि 1969 का इन लोग ने प्रोविजन दिया है। इसका मतलब ये है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है यानी थाना रेंज जो कवर कर रहा है आरए को, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशंस यहाँ के अधिकारियों ने इसको मिलके इसको घुमा दिया है, क्योंकि आज सरकार बोलती है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि हम इसको प्रूव करें कि ये फॉरेस्ट लैंड है। जबकि 1878 का आप नोटिफिकेशन देखेंगे गवर्नमेंट का, जो हमारे अंग्रेजों के ज़माने का जो अभी तक चल रहा है, वो ज़माने का रिकॉर्ड आज इनके पास नहीं है, और इस वजह से सरकार ने इसको तुरंत हाथों हाथ लेके हाईकोर्ट का ऑर्डर को लेके इसको तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की, ताकि रातों रात करने से लोग इसको अपनी अलग दृष्टि से ले, और ताकि सुप्रीम कोर्ट ना जाए, और इन लोगों ने भी वो कब्जा कर लिया। नहीं तो सरकार के पास तो और तीन जगह का पर्याय था, इन लोगों ने तीन जगह का पर्याय क्यों नहीं लिया?